दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने तैयारी शुरू की आपके सिलेक्शन में, जैसे हम सभी टीचर्स का योगदान रहा, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, आप लोग इंस्ट्रक्टर बने, आप लोगों ने पार्टी अरेंज करी, तो हमारा एक रिश्ता एक बॉन्डिंग सी बन गई। भगवान करे हमारी बॉन्डिंग लंबे टाइम तक ऐसे ही चलती रहे, और जब कुछ सालों बाद आप अपने रिटायरमेंट की पार्टी भी देंगे उसमें भी आप मुझे बुलाएं। बिल्कुल सर, बुलाओगे ना? बिल्कुल सर। तीन चार लोग जब मुझे उठा के लेके आएंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो पार्टी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता वो 30 साल तक चलना चाहिए। शादी में भी बुलाओगे? शादी का नाम अभी मत लो कोई भी, शादी 2-3 साल तक करना नहीं किसी को भी, ठीक है? यस सर। शादी एक लॉकअप है, सब पीछे ही है, पीछे ही है मैम। तुम में से प्यार वाले तो नहीं है जिनका ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है? नहीं सर। ऐसा कौन कौन है, ऐसा भी होगा ना जिसकी ज्वाइनिंग हुई, जिसके जो इंस्पेक्टर बना अगले दिन ही शादी पक्की कर ली जिसने? यही है ना, यही है। चलो बहुत बढ़िया। देखिए एक बात और कि पहले कहते थे कि पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग खराब हो चुके हैं, आज का जमाना खराब हो चुका है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पहले जो लोग सिलेक्ट होते थे, पहले जो सरकारी सर्विस में जाते थे, उससे कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा ईमानदार, कहीं ज्यादा मासूम और कहीं ज्यादा अच्छे इंसान आप लोग हो। और मेरे हिसाब से तो आज के टॉपर्स, आज की जो जनरेशन है वो अच्छी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अभी जैसे AIR1 को देखो, सुचिता से बहुत सारे टॉपर्स में से आप लोगों से मिला, वो जितने जेन्युइन और मासूम है, वाकई में 20 साल पहले जो लोग बने थे वो ऐसे नहीं थे। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा इंडिया अपग्रेड हो रहा है भाई, उसको ऐसे ऐसे इंस्पेक्टर वर्किंग ऑफिसर्स मिलेंगे काम करने के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार आप सभी लोगों के लिए तालियां खुद के लिए हेल्प करनी है और घूमना है, इसके अलावा जवानी का और कोई पर्पस नहीं है। बात को बकवास, सवाल है घूमिए, भारत भ्रमण करिए, विदेश भी घूमिए, अमूल्य मौज लीजिए, शादी बाद और शादी बढ़िया लव मैरिज करिए, चक्कर में ना पड़े, मेरी तरह लव मैरिज करिए। प्यार करेंगे प्यार। शादी बाद हम भी फ्रांस जाएंगे सर।